कुलभूषण जाधव मामले पर आज आ सकता है फैसला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुना सकता है फैसला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी दलील रख चुके हैं। शाम 6:30 बजे फैसला आने की उम्मीद। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 2017 में कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई। कुलभूषण पर जासूसी और आतंकवाद का झूठा आरोप। भारत ने कुलभूषण की सजा को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती दी। कुलभूषण को पाकिस्तान से रिहा करने की मांग। 2019 की पहली छमाई में सीमा पार से घुसपैठ में कमी आई। लोकसभा में गृह मंत्रालय का लिखित जवाब। पिछले 5 साल में 963 आतंकी मारे गए। कर्नाटक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 16 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी। कर्नाटक के बागी विधायकों ने इस्तीफे को मौलिक अधिकार बताया। विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार की दलील अयोग्यता और इस्तीफे पर फैसले पर स्पीकर का अधिकार। बेंगलुरु के होटल में भजन सुनते नजर आए बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा। कई विधायक भी साथ में मौजूद रहे। संसद में देर रात होता रहा काम। किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई। गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मंत्रियों और सांसदों के कामकाज पर पीएम मोदी सख्त। रोस्टर ड्यूटी पर गायब रहने वाले मंत्रियों और सांसदों की लिस्ट मांगी। बीजेपी ने यूपी और महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष बदले। योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को यूपी की कमान। चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बने। संसद सत्र के बीच राहुल गांधी विदेश रवाना। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पहली बार विदेश गए राहुल। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ई लाइब्रेरी खोलेगी राजस्थान सरकार। सीएम अशोक गहलोत ने नेहरू को विजनरी नेता बताया। अशोक गहलोत का पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना। कहा चुनाव में नेहरू को लेकर गलत और झूठा प्रचार किया। राजस्थान में मॉब लिंचिंग पर लगाम की तैयारी। गहलोत सरकार का कानून बनाने पर विचार। धार्मिक पोस्ट को लेकर चर्चा में आई ऋचा भारती को कुरान बांटना कबूल नहीं। ऋचा ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। ऋचा भारती ने कुरान की कॉपी बांटने से इनकार किया। कहा कोर्ट का सम्मान लेकिन कुरान नहीं बांटेंगे। मुंबई के डोंगरी में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से अब तक 13 लोगों की मौत। कई घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। असम में बाढ़ से 17 लोगों की मौत। लाखों लोग बेघर। केंद्र ने मदद के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान किया। बिहार में बाढ़ से बड़ी राहत। बाढ़ और बारिश से अब तक 38 लोगों की मौत। कई जिलों का संपर्क टूटा। दुनिया ने देखा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। देश के अलग अलग शहरों में चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा नजर आया। 149 साल बाद चंद्र ग्रहण का अनोखा संयोग। करीब 3 घंटे तक आंशिक चंद्र ग्रहण का गवाह बने लोग। श्रीनगर में सेना ने सड़क पर सोलर लाइट लगाई। ऑपरेशन सद्भावना के तहत लाइट्स लगाई गई। जम्मू कश्मीर के डोगी में राष्ट्रीय राइफल्स ने स्थानीय बच्चों के लिए समर स्कूल खोला। पढ़ाई के साथ बच्चों को बुक्स स्टेशनरी और खाना खिलाया जाता है। सूरत में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फ्री क्लासेस। हर साल 40 गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं सीए रवि।